नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। देश की सर्वोच्च अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है। ऐसे में अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच करेगी। कोर्ट ने केजरीवाल को सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी थी और आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए बैठी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का आदेश देते हुए सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 3 जजों की बेंच नियुक्त करेंगे। बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल को इस केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को भले ही ईडी के केस में जमानत मिल गई है, लेकिन वे सीबीआई के केस में भी हिरासत में है। इसके चलते वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस में जमानत मिलने के बावजूद सीबीआई वाले केस के चलते जेल से फिलहाल बाहर नहीं आ सकेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई के इस मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही ये पता चल जाएगा कि केजरीवाल कब जेल से बाहर आ पाएंगे। हालांकि केजरीवाल के वकील का कहना है कि उनके बाहर आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।